मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 13 जगहों पर 40 मतगणना केंद्रों को बना दिया गया है। विधानसभा की 40 सीटों पर वोटिंग हुई थी और कुल 80% मतदाताओं ने वोट दिया था। तो 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आधे घंटे के बाद निर्वाचन आयोग ने मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली है। 40 सीटों पर वोटिंग हुई थी और इस बार आपको बता दें कि मिजोरम में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना है और उल्लेखनीय है कि यहां पर मतगणना रविवार को होनी थी लेकिन स्थानीय लोगों की मांग के बाद चुनाव आयोग ने इसको बदल दिया था, इसमें तब्दील कर दी थी। 13 जगहों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 40 सीटों पर मतदान हुआ था। तो देखिए, एक जो ट्रेंड है मिजोरम में, कभी कांग्रेस तो कभी एमएनएफ की सरकार रही और इस बार देखना यह रोचक होगा कि क्या एमएनएफ अपनी सरकार को बचा पाते हैं या फिर राज्य में पूर्व आईपीएस लाल धोमा के नेतृत्व में बनाई गई राजनीतिक पार्टी जोरम पीपल्स मूवमेंट की कोई जो राजनीतिक समीकरण है वो पार्टी बनाती दिख पाएगी या फिर नहीं, इसका जो खुलासा है दोपहर 12 बजे तक हो जाएगा जब नतीजे आ जाएंगे। लेकिन वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो काफी अच्छा परसेंटेज रहा इस बार वोटिंग का। लगभग 80% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और 12 बजे तक जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी। जगहों पर 40 मतगणना केंद्रों को बनाया गया है। विधानसभा की 40 सीटों पर मतदान हुआ था और मेरे साथ संजय चौहान इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे संजय चौहान का। संजय, कल भी तमाम राज्यों के नतीजे आए और अब जो चीजें हैं वो क्लियर हो चुकी है और आज भी बारी मिजोरम की है, तो ऐसे में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो गई। अगर बात की जाए ट्रेंड की तो 1984 से कभी कांग्रेस तो कभी वहां की रीजनल पार्टी एमएनएफ सरकार रही है, इस बार क्या एमएनएफ अपनी सरकार को बचा पाते हैं या फिर लाल धोमा के नेतृत्व में राजनीतिक पार्टी जोरम पीपल्स मूवमेंट कोई नई समीकरण बनाते दिखेंगे, ये अब 12 बजे तक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। संजय, तो क्या समीकरण वहां के लिए बनते दिख रहे हैं, आपसे जरूर जानेंगे। बिल्कुल, मिजोरम के में आज जो है मतगणना है और मतगणना के दौरान चूंकि इस बार बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी की एंट्री और मिजोरम जो वहाँ की रीजनल पार्टियां हैं, ऐसी 40 विधानसभा सीटें हैं मिजोरम की जहां पर मतगणना होनी है, जिनकी जो है चुनाव हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के जो वहाँ के अगर राजनीतिक सिनेरियो की बात करें तो वहाँ पर 27 ऐसे उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और चाहे राजस्थान की बात करें या फिर मिजोरम पहुँच जाएँ, मिजोरम भी अब की बार जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ड्राइवर सीट पर होंगे। राजनीतिक रूप से जो सत्ता बनाने और बिगाड़ने की व्यवस्था में अहम रोल अदा करेंगे। देखना यह है कि कांग्रेस लगातार कांग्रेस और वहां की स्थानीय पार्टी लगातार वहां पर सत्ता में आती जाती रहती, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री कहीं ना कहीं इस राजनीतिक सिनेरियो को त्रिकोणीय मुकाबले की ओर लेके जा रही है। तो वहीं स्थानीय जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, उनकी भी जो भूमिका है वो अपने आप में खासी अहम हो जाती है। हालांकि 12 बजे तक पूरा राजनीतिक सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार इस बार मिजोरम के सत्ता पर कौन बैठने वाला है, किसको मिजोरम की जनता ने माइनॉरिटी दी है और जो मिजोरम के विकास के मिजोरम के तमाम कार्यों के लिए आखिरकार जिम्मेदारी मिजोरम की जनता ने किसके हाथ सौंपी है वो 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा। जी, है पूरी तरीके से लाल दोहमा वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए थे और आप जैसा कि बता रहे हैं कि 12 बजे तक जो समीकरण है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, किसको बहुमत मिलता है। अगर बात की जाए कांग्रेस या बीजेपी की, ये दोनों ही जो दल हैं राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई वहां पर लड़ते नजर आए हैं, तो इनकी स्थिति को किस तरीके से देखा जाए? संजय, वहां पर
बिल्कुल, कांग्रेस चूंकि सत्ता में वहाँ पर कई बार रह चुकी है, कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया है, पूरी तरीके से स्थानीय मुद्दों को उठाया है। बीजेपी ने भी वहाँ पर तमाम स्थानीय मुद्दों को उठाया है, लेकिन मिजोरम चूंकि छोटा राज्य है, ऐसे में उतनी ताकत ना बीजेपी ने लगाई है ना ही कांग्रेस ने लगाई है। हालांकि चुनाव प्रचार स्थानीय लेवल पर दोनों ही दलों ने बेहद जो है कहीं ना कहीं आक्रामक ढंग से लड़ा है, लेकिन जिस तरीके से जो अभी परिणाम आए हैं और आगे आज आने वाले हैं, उम्मीदें दोनों ही दलों ने लगाई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री ने इस बार की लड़ाई को रोचक कर दिया है। तो यह कहा जा सकता है कि इस बार जो स्थानीय पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, उनकी ताकत बढ़ती हुई दिख रही थी, और हालांकि परिणाम अब कुछ देर बाद शुरू हो जाएंगी, मतगणना का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा, रुझान आने शुरू हो जाएंगे, तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस चौमुखी जो लड़ाई थी उस पर जीत किसको मिल रही है। बिल्कुल, राज्य में बहुमत का आंकड़ा भी संजय 21 है, 12 बजे तक ये उम्मीद है कि तस्वीर क्लियर हो जाएगी, नतीजे आ सकते हैं। बहुत धन्यवाद संजय आपका जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए। तो मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, MNF, JDPM और कांग्रेस ने सभी 40 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, भाजपा के 23 हैं तो आम आदमी पार्टी के 4 हैं और 27 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। बात अगर चुनावी तैयारियों की जाए तो तैयारियां पूरी हो चुकी है, अब से कुछ ही देर बाद जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे। और बड़ी खबर गोरखपुर से आपको बता देते हैं, CM योगी